गंगा गौरव के इस सफर पर हम मिलेंगे कुछ ऐसे व्यक्तियों से जिनका जीवन किसी मिसाल से कम नहीं और जिनके वजूद के बिना शायद हम नहीं। नमस्कार, गंगा गौरव में आज हम मिलेंगे गंगा तट से जुड़े हुए एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने सुलभ शौचालय के जरिए दिया लोगों को स्वच्छ जीवन जीने का साधन और साथ ही साथ भारत के एक ऐसे वर्ग को सम्मान दिलाया जिन्हें लोग समाज के नाम से जानते हैं, जिन्हें आज भी समाज छूने से कतराता है। देश को विकास की नई राह दिखाने की बात तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो अपनी प्रगतिशील सोच के दम पर सच में ऐसा कर पाते हैं। बिंदेश्वर पाठक उन कुछ लोगों में से एक है। बिहार में एक जगह है बेतिया, वहाँ पे स्कैंडस कॉलोनी है, वहाँ जाके हम वहाँ 3 महीना रहे उस कॉलोनी में, उनके साथ खाना खाया, बैठे, बातें की और फिर इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी संस्कृति क्या थी, इनके मोर्स क्या थे, ये सारी बातों की जानकारी दी हुई। ये शराब बहुत पीते थे और झगड़ा बहुत करते थे लोग, तो काफ़ी उनको हमने इस पर मना किया, काफ़ी ठीक किया उनको। मुख्य रूप से जो गांधी जी को इससे मुक्त करने के लिए चलाए थे, उससे निपटने के लिए शौचालय ही सक्सेस है। साहब ने ये सोचा कि जो नाइट सोइल हमारा इतना वेस्टेज होता है, इसको क्यों नहीं हम लोग किसी चीज में काम आए, और उनके दिमाग में ये बात आई और उन्होंने मेहनत करके इस चीज को निकाला कि बायोगैस किस तरीके से बनता है। स्कैवेंजिंग यानी इंसान द्वारा जबरदस्ती शौच की सफाई करवाना, क्या इस बारे में सुना आपने? सन 1968 में श्री पाठक बिहार के मुक्ति सेल के साथ जुड़े और तभी उन्हें एहसास हुआ कि स्कैवेंजिंग का काम करवाना इंसानियत नहीं बल्कि शोषण है। आधुनिक भारत के लिए यह एक बहुत बड़ा धब्बा था। बिहार गांधी जन्म शताब्दी समारोह समिति में मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने आया था। यह 1968 की बात है। मेरे जनरल सेक्रेटरी ने उसे कहा कि मैला ढोने की प्रथा समाप्त करके स्कैवेंजर्स लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है और गांधी के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो मैंने कहा कि सर, मैं तो ब्राह्मण परिवार से आता हूँ और एक औरत को बचपन में मैंने छू दिया था, उसके चलते दादी ने मुझे गोबर खिलाया था, गाय का गोबर, गाय का मूत्र पिलाया था और गंगा जल मुझे शुद्ध करने के लिए। तो सारे परिवेश में हमारे यहाँ किसके हाथ का खाना खाना है, किसका पानी पीना है, ये सारी बातें हम लोग बताई गई थी, जिसमें डॉट्स ज़्यादा था उसमें, तो कैसे मैं इनके साथ काम कर सकता हूँ। दूसरी बात कि मैं इंजीनियर हूँ नहीं, मैं समाजशास्त्री हूँ, तो जो कमाऊ शौचालय हैं जिनको ये वाल्मीकि साफ करते हैं, यदि उनका विकल्प ना हम ना दें तो लोगों को हम कैसे मना कर सकते हैं इसका इस्तेमाल नहीं करने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता तुम ब्राह्मण हो या नहीं हो, इंजीनियर हो या नहीं हो, तुम में हम लाइट देख रहे हैं, तुम इस काम को कर सकते हो। फिर मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो समाजशास्त्र में पढ़ाई हुई थी हम लोगों को कि जिस समुदाय के लिए काम करना हो उस समुदाय के साथ रैपो बिल्ड करना चाहिए। तो बिहार में एक जगह है बेतिया, वहाँ पर स्कैंडस कॉलोनी है, वहाँ जाके हम वहाँ 3 महीना रहे उस कॉलोनी में, उनके साथ खाना खाया, बैठे, बातें की और फिर इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी संस्कृति क्या थी, इनके मोर्स क्या थे, ये सारी बातों की जानकारी ली हमने। ये शराब बहुत पीते थे और झगड़ा बहुत करते थे लोग, तो काफ़ी उनको हमने इस पर मना किया, काफ़ी ठीक किया उनको, एकदम समाप्त तो नहीं हुआ था, काफी देर तक ठीक किया उनको हमने। स्कैवेंजर्स की उत्थान की ओर श्री पाठक का रुझान कुछ यूं था कि सुलभ शौचालय शुरू करने की सोच इसी एक बात पर आधारित थी, लेकिन यह संघर्ष एक दो वर्षों का नहीं कई सालों का था।
पहला संघर्ष तो उनके परिवार से ही आरंभ हुआ, जहां निम्न श्रेणी के लोगों की परछाई तले आना भी पाप माना जाता था। एक सुबह सुबह एक बड़ी आवाज आ रही थी, तो मैं गया तो वहाँ एक नई नबीली दुल्हन वो चिल्ला रही थी। वो तो देखा क्या है, पूछा उसके, तो उसके जो सास और ससुर दोनों उसको मैला ढोने के लिए बेतिया शहर में जाने कह रहे थे। वो जाना नहीं चाहती थी, चिल्ला रही थी, मैंने मना किया। उसके सास ने एक प्रश्न पूछा कि आज तो उसको हम छोड़ देते हैं, कल से क्या करेगी, यदि सब्जी बेचेगी तो इसके हाथ से सब्जी कौन खरीदेगा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि इस समाज में एक ऐसी व्यवस्था है कि जो जेल होते हैं उस जेल में आप यदि ऐसा कोई क्राइम न करें, हिंस न करें, तो आप एक दिन छूट सकते हैं। लेकिन समाज ने जेल बनाया था, उसमें था कि एक बार अछूत में आपका जन्म हो गया तो सब दिन आप अछूत रहेंगे, मरेंगे भी अछूत होकर के। ये हमारे डार्क स्पॉट है हिंदू सोसाइटी सोशल ऑर्डर में। जिस काम को समाज में सबसे निम्न स्तरीय माना जाता है, उसी काम को अपना ध्येय बनाकर श्री बिंदेश्वर पाठक अपना काम किए जा रहे हैं। मुख्य रूप से यह योजना चलाया गया, गांधी जी का सपना था कि जैसे हम एक इंसान हैं, उसी तरह से एक स्वीपर भी एक इंसान है, जो हमारे हम जो मैला को मैला करते हैं, लैट्रिन करते हैं, उस मैला को सर पर रख के, पहले तो लोग देहात में था जो टीन नीचे टीना काट के रख दिया, ऊपर से लैट्रिन के टीना भर गया तो उसको खबर किया गया, टीना को सर पर उठा के कहीं बाहर चोर चोरी में फेंकते थे। तो गांधी जी का यह सपना था कि नहीं, जैसे हम इंसान हैं वैसे वह भी एक इंसान है, वह सर पर मैला क्यों फेंकेगा। तो उसके लिए ये जो शौचालय बना है वह नगर निगम को अच्छा लगा, जैसे यह शौचालय है जो नीचे कच्ची रहता है और साइड से दीवार करके, और शौचालय दो टैंक है, एक टैंक में चालू हुआ, एक टैंक बंद है, जब एक टैंक भर जाएगा दूसरा टैंक चालू कर दिया गया, और तब जब तक दूसरा टैंक भरेगा तो पहला टैंक वह सूख के और मिट्टी हो जाएगा, उसको कुदाल से काट के और खेत में फेंक दीजिए, कोई गंध नहीं है, कोई नहीं है, और खाद का भी काम कर गया। तो गवर्नमेंट को भी लगा कि नहीं, यह तकनीक अच्छा है, इसमें मुक्ति जो मुख्य रूप से जो गांधी जी को इससे मुक्त करने के लिए चलाए थे, उससे निपटने के लिए यह शौचालय ही सक्सेस है। एक ऐसी मुहिम जो देश का जीवन स्तर बदल दे, क्या बस यूं ही शुरू हो सकती है? हो सकती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सुलभ शौचालय का पूरी रूपरेखा एक दिन बस यूं ही बातों बातों में तैयार हुई। मैं इस काम में रहूंगा या नहीं रहूंगा, ये मुझे शक था, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत दुखी थे इस काम से, और ब्राह्मण समाज के बहुत खिलाफ थे। मेरी शादी हो गई थी तो मेरे फादर इन लॉ बहुत ही हम पर नाराज रहते थे। तो बार बार कुछ कुछ कहते रहते थे। एक दिन इतने नाराज हो गए कि कहा कि आपका चेहरा देखना नहीं चाहते, हमारी लड़की का आपने जीवन बर्बाद कर दिया। लोग पूछता है दामाद क्या करते हैं, मैं क्या कहूँ कि वाल्मीकि के साथ रहते हैं। हमारे यहाँ परंपरा है बड़ों से मुँह नहीं लगाने की आदत। तो एक दिन, लेकिन उस दिन मैंने थोड़ा धीरे ही लेकिन कहा उनको मैंने कि देखिए, मैं इतिहास का पन्ना उलटने चला हूँ, या तो उलट दूंगा या हो सकता है खो जाऊँ, तो जब तक मैं उलटता नहीं हूँ तब तक अपनी लड़की का ध्यान आप कीजिए। उसके बाद घटना क्या घटी कि 10 दिन के बाद बेतिया शहर हम जा रहे थे चाय पीने के लिए, वहाँ के कुछ लोगों के साथ एक बच्चा लाल कपड़ा पहने हुए था, उसको बुल ने अटैक कर दिया। सभी लोग दौड़े बचाने के लिए,
किसी ने उसी भीड़ से कह दिया कि वह लड़का वाल्मीकि कॉलोनी का है, सबने छोड़ दिया। अब ये समाज का नज़रिया आप देख सकते हैं। हम लोग ले गए अस्पताल में, वहाँ दम तोड़ दिया, तो वहीं हमने गांधी की कसम खाई कि गांधी का सपना पूरा करके रहेंगे और जिसके हंजरा से जो वाल्मीकि हैं इनकी प्रतिष्ठा को हम दिला के रहेंगे। तो वहीं से यात्रा शुरू हुई इसके हंजर्स के लिए काम करने के लिए। दो अप्रैल 1943 में वैशाली जिले के रामपुर भगेल गांव के इस घर में श्री बिंदेश्वर पाठक जी का जन्म हुआ था। हालांकि अब यह घर मॉडिफाई हो चुका है, यहां उनके चचेरे भाई श्री सच्चिदानंद पाठक जी रहते हैं। आइए एक पाठक जी से जानते हैं दूसरे पाठक जी के जीवन की कुछ बातें। जी हाँ, हम लोग बचपन से साथ में थे और बचपन से ही हम लोगों को लालन पालन लोग करते थे और अभी भी तक लालन पालन कर रहे हैं। और शुरू से ही उनका विचार जो है बहुत अच्छा रहा हम लोगों के प्रति और अभी भी है, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी रहेगा। हम लोग शुरू में जब काम शुरू करते थे तो हर एक जगह ऑब्जेक्शन हो जाता था। पटने ही में जैसे बनाना शुरू किए तो पूरा पब्लिक लोग जुट जाते थे और कहते थे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन उस समय में राजेंद्र नारायण सिंह एडमिनिस्ट्रेटर थे तो लिखा हुआ रहता था दीवार पर कि यहाँ पेशाब नहीं करें। लेकिन हमारे साहब जो है फाउंडर साहब, वो कहे कि नहीं, जहाँ लिखा हुआ है कि जो पेशाब नहीं करें वहाँ पे सब खाना सब जगह बनवा दिए और उसके बगल में सुलभ शौचालय बनवा दिए और लिखवा दिए कि जो पेशाब यहीं करें। इस तरह की बात होती थी। शुरू शुरू में काफ़ी संघर्ष होता था लेकिन हम लोग केवल आगे बढ़ते थे और आगे की ओर बढ़ना ही सीखे थे। श्री बिंदेश्वर पाठक जी ने भंगी समाज के लोगों के साथ काम ही नहीं किया बल्कि उनके साथ रहे भी, उनकी जिंदगियों को नज़दीकी से देखा और उस पर रिसर्च भी किया और फिर 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जिसके तहत उन्होंने शुरू किया सुलभ सैनिटेशन मूवमेंट, जिसने एक तरह से पूरे देश को ही बदल दिया। पहले तो शौच और शौचालय कोई बात करते नहीं था। जब हम जाते थे मिलने किसी से बिहार में तो कहते थे कि आप शौचालय की बात करेंगे, हम कहे जी सर, तो पहले चाय पी लीजिए तब बात कीजिएगा, क्योंकि शौचालय की बात करके चाय कैसे पिएंगे हम लोग। ये स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा। आज देखा देखिए आप, दुनिया भर के लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, हर आदमी शौचालय की चर्चा कर रहा है। इसका महत्व तब बढ़ गया जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी महत्ता को बढ़ा दिया। उन्होंने अपने हाथ में झाड़ू लिया सफाई के लिए और कहा कि शौचालय जो है हर घर में बनना चाहिए, और डेडलाइन भी दिया है 2019 तक तो ओपन डेफिकेशन बंद कर देंगे हम। तो 1968 से लेके अब आप देखिए कि आज स्थिति ये आ गई कि अब जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी इस बात को महत्व दे रहे हैं। अमेरिका गए तो वहाँ भी बात उसकी शौचालय की उन्होंने। आज तक कोई प्रधानमंत्री इतना खुल करके दिल से इसलिए कोई बात इसकी नहीं की थी। तो इसका महत्व जो है अब बहुत बढ़ गया है। लेकिन जो हमने शुरू किया था उस समय तो कोई नाम लेना चाहता नहीं था, लेकिन आज तो काफ़ी चर्चा हो रही है इसकी। यह वही स्कूल है जहाँ श्री बिंदेश्वर पाठक ने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। एक संपन्न कुलीन घर में पढ़े बड़े हुए श्री पाठक उन लोगों के बारे में सोचते जिनके बारे में कोई और नहीं सोचता। शायद यही जज्बा सुलभ इंटरनेशनल जैसे बड़े मुहिम का आधार बना। महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो स्कैवेंजर्स फ्री हुए इस काम से वाल्मीकि, उनको पढ़ाया लिखाया हमने, उनको हमने काम सिखलाया, पापड़ बनाने का, अचार बनाने का, कारपेट बनाने का, ब्यूटी केयर का, ये सारे काम सिखाए उनको हमने और अपनी जीविका कमा रहे हैं। उससे आगे काम क्या किया हमने, जिन कारणों से ये अछूत कहलाए उन कारणों को हमने मिटा दिया। मिटा कैसे, वो
इनको जो ब्राह्मण्स के और ऊंची जाति के लोग उनके संस्कार हैं उन संस्कारों को दिलवाया इनको हम इनको मंदिर ले गए पूजा करवाया गंगा में स्नान करवाया बाबा विश्वनाथ के यहाँ पूजा करवाई और वाराणसी में 200 ब्राह्मण परिवार के साथ पत्नी बच्चों के साथ खाना खिलवाया ये पहली घटना थी वाराणसी में 1934 में महात्मा गांधी बुलवाया प्रकाश के लोगों को उनके साथ खाने के लिए आए सब लोग लेकिन बाद मना कर दिया गांधी उनके साथ खाना हम नहीं खा सकते तो गांधी ने लिखा है वहाँ पर कि ये जो भारतीय हैं ब्रिटिश का तो गोली खाने को तैयार रहते हैं लेकिन अछूतों के साथ खाना नहीं खाएंगे ब्राह्मणों के डर से वो चीज़ करके दिखलाया हमने बाद में चर्च में भी ले गए अजमेर शरीफ ले गए गुरुद्वारा ले गए तो ऐसे संस्कार दिए उनको हमने कि समाज के मुख्यधारा से जुड़ गए और जिस घर में शौच साफ करने जाते थे उसी घर में आज जा रहे हैं पापड़ बेचने के लिए अचार बेचने के लिए उनके साथ बैठते हैं खाना खाते हैं और जो महिलाएं डॉक्टर्स हैं उनके क्लाइंट्स हैं उनके यहाँ फेशियल करने जाते हैं हम लोग तो उनसे हमने कहा हुआ है कि जब लौटने समय मैडम का गाल थोड़ा ऐड देना तो वो कहती है क्यों ऐडती है गाल हम लोगों का तो कहती है मैडम फाउंडर साहब ने कहा है कि यही घर है जब मैं आती थी तो मुझे अछूत कहते थे आप पानी ऊपर से देते थे खाना ऊपर से देते थे अब आपने अपना जो गाल है वो दे दिया हमको चमकाने के लिए तो कितना बड़ा अंतर है ये उसी को याद कराने की कहते हैं तो अरे देखो पहले तुम लोग मैलाट होते थे तो इसलिए हम लोग घृणा करते थे अब तो तुम्हारे साथ रहती हो हमारे शेष रहती हो तो ये सब जो कार्यक्रम है अब ये है ये तो स्कैवेंजिंग की बात है लेकिन हमारे समाज में कानून में छुआछूत बंद हो गया जो करेगा उसे दंड दिया जाएगा लेकिन सामाजिक तौर पर अभी समस्या बाकी है अब गांव में जाएंगे आज भी अनुसूचित जाति के साथ खाना कोई नहीं खाता है तो ये जो भी है खाने वाली बात आज ही बाकी है तो जो ब्राह्मण बच्चे आज के हैं लड़के उनको हम तैयार कर रहे हैं उनको हम कह रहे हैं कि आप इस बंधन को तोड़ सकते हो आप जाओगे उनके यहाँ पूजा पाठ कराओगे यदि आप प्रसाद दोगे उनके यहाँ खाना खाओगे तो फिर दूसरे भी तैयार हो जाएंगे और आपका तो दायित्व बनता है ये जो बंधन बांधे थे आप तो बंधन तोड़ना आपको पड़ेगा तो एक सामाजिक क्रांति है एक सोशल रिवॉल्यूशन ये है तो इसके जो आयाम है सिर्फ सैनिटेशन शौचालय ही नहीं है ये पूरे जो समाज है ना इसके विचार बदलने का इसके थॉट्स इसके बिहेवियर एटीट्यूड ये सारा बदलना इसमें है स्वच्छता के प्रति और जो लोग स्वच्छता के काम में लगे हुए थे उनके प्रति भी तो एक बहुत बड़ा आंदोलन है बहुत बड़ा काम है अब स्कूलों में शौचालय बन रहा है कुछ में तो है स्कूल में शौचालय कुछ में नहीं है लेकिन दोनों में साम्यता किस बात की है कि मेंटेनेंस प्रॉपर किसी में नहीं हो रहा है अब उसमें है कि हमने क्या किया सुलभ पब्लिक स्कूल में ये जो शौचालय है ये हमारे शिक्षक जो टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं वही साफ करते हैं दूसरे को हम अलाउ नहीं करते दूसरी बात है हमारे यहाँ बनता है सैनिटरी नैपकिन तो हर स्कूल बन नहीं सकता है तो लेकर रख सकते हैं लोग तीसरा है कि जब इसका इस्तेमाल हो गया उसके बाद हमारे यहाँ इंसिनेटर है तो इंसिनेटर में उसको डाल दीजिए वो जल के राख हो जाता है इतना राख हो जाता है वो तो इतना जो हाइजीन व्यवस्था हमने दी है स्कूल में हम चाहते हैं कि हर स्कूल में ये व्यवस्था हो ताकि हाइजीन तरीके से सब काम होना चाहिए गांव और छोटे शहरों के लोगों के लिए आज भी शौच व्यवस्था नहीं है जिन लोगों को खुले में शौच करना पड़ता है उनके लिए सुलभ शौचालय किसी वरदान से कम नहीं अभी जो काम हुआ है तो काम बहुत बाकी है रास्ता दिखला दिया हमने ठीक है लेकिन कवरेज देखेंगे आप तो काफ़ी घरों में शौचालय बनने अभी है गांव में भी शहर में भी और सार्वजनिक शौचालय भी स्लम एरिया में भी
तो काफ़ी काम बाकी है। तो पहला तो यही है कि शौचालय सार्वजनिक और घरों में ऐसा बनाया जाए ताकि कोई भी बाहर न जा सके। पहली योजना तो यही है। दूसरी योजना यह है कि इसको स्कूल में पढ़ाने के, पढ़ाई शुरू हो गई है तो बच्चों के स्कूल में, इस हाई स्कूल में, फिर कॉलेज में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, ये सारे जगह जो है इसकी पढ़ाई होनी चाहिए। प्रयास हम लोग कर रहे हैं ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उसको समझ सके, जान सके कि तकनीक क्या है, ये क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। सफाई के बारे में इसकी पढ़ाई होनी चाहिए। हम लोग छाप रहे हैं जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सैनिटेशन, ये पहली बार छप रही है दुनिया में। आज तक सैनिटेशन का इंसाइक्लोपीडिया नहीं मिलेगा आपको। हम लोग यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, सुलभ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सैनिटेशन और सुलभ इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सैनिटेशन। श्री बिंदेश्वर पाठक ने तकनीकीकरण को बनाया हथियार, जोड़ा सुलभ टॉयलेट्स को फर्मेंटेशन प्लांट्स के साथ और बायोगैस उत्पादन में सहयोगी बने। ऐसे बना पहला बायोगैस प्लांट पटना में 1982 में। साहब ने ये सोचा कि जो नाइट सोयल हमारा इतना वेस्टेज होता है, इसको क्यों नहीं हम लोग किसी चीज़ में काम आए, और उनके दिमाग में ये बात आई और उन्होंने बड़ा मेहनत करके इस चीज़ को निकाला कि बायोगैस किस तरीके से बनता है। और इन्होंने पहला प्लांट बनाया था बिहार में अदालतगंज में, जो कि आज गवर्नमेंट ने उस ज़मीन को ले लिया है। और उसके बाद हम लोगों ने 1986-87 में करीबन ये यहाँ पर हमने गैस बायोगैस प्लांट बनाया, और इससे हम पूरा गांधी मैदान लाइट देते थे। लेकिन कुछ गवर्नमेंट्स का प्रॉब्लम्स आया जिसके कारण वो सिस्टम हटा दिए हैं। और जो इससे बायोगैस से जो पाइप गैस जो है, इसमें 30 क्यूबिक मीटर का ये दायरा है ये बायोगैस का, और इसमें 1058 घन फुट गैस बनता है पर डे, और यहाँ पर करीबन 3000 यूज़र आते हैं। और इस गैस को हम लोग जनरेटर में ले जाते हैं, और जनरेटर जो है स्टार्ट करने के समय 20% डीजल लगता है और 80% गैस से जनरेटर चलता है, जिसके कारण आप तो देखें कि सारी रोशनी होती है। इसलिए ये कॉस्टली तो है, लेकिन इसको अगर गवर्नमेंट हर जगह अप्लाई कर दे तो हम सोचते हैं कि बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का। श्री बिंदेश्वर पाठक ने पहला सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्स खोला पटना में सन 1974 में, और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज 1075 शहरों में 5,500 से भी ज्यादा सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्स है, जिसे करीबन 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस संस्था से फिलहाल 55,000 से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं एज एसोसिएट मेंबर, और ये सब सिर्फ एक इंसान की कोशिश का नतीजा है, श्री बिंदेश्वर पाठक। श्री बिंदेश्वर पाठक ने अपने मुहिम के जरिए न केवल स्वच्छता का नया आयाम समाज को दिया, बल्कि दूसरी दिशाओं में भी समाज को बेहतर बनाने की शुरुआत की है। दिल्ली में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला है जिसमें ज्यादातर स्कैवेंजर परिवार के बच्चे पढ़ने आते हैं। राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने की ओर कई कदम उठाए हैं और लोगों की स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक टॉयलेट म्यूजियम भी बनाया है। ये टॉयलेट म्यूजियम अपने आप में एक अनूठी पहल है, जहां लोगों को शौच व्यवस्था के रोचक इतिहास के बारे में जानने और देखने को मिलता है। यहां 2500 बीसी तक के टॉयलेट्स प्रदर्शित हैं। यह है बिंदेश्वर पाठक जी का नया घर, जो 1983 में बनाया गया है। अब यह फार्म हाउस के रूप में मेंटेन किया जा रहा है। यहाँ पर उनके परिवार के सदस्य, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और सुलभ शौचालय के परिवार के सदस्य आकर रहते हैं। आइए। यह है बायोगैस टैंक, जिसका कनेक्शन पीछे बाथरूम से है। बाथरूम का रॉ मटेरियल इसमें आता है, इसमें गोबर मिक्स किया जाता है, जिसे नाइट सोइल भी कहते हैं, और फिर इसमें गैस जो फॉर्म होती है वो पाइप के जरिए सीधे किचन में जा रही है, और यहाँ का चूल्हा इस बायोगैस से चलता है। रोटियाँ यहाँ बायोगैस से बनती हैं। घर के
लाइट जितने भी हैं, फैंस जितने भी हैं, सब बायोगैस से चल रहे हैं। ये एक सरल और उत्तम तरीका है जीवन निर्वाह करने का, और ये एग्जाम्पल दिया है बिंदेश्वर पाठक जी ने। श्री बिंदेश्वर पाठक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक सक्षम लेखक भी हैं, और उन्होंने रोड टू फ्रीडम नामक एक बेहद लोकप्रिय किताब भी लिखी है। खुद को दूसरों की जगह रखकर सोचना और फिर उसी सोच को हकीकत में बदलना हर किसी के बस की बात नहीं है। श्री बिंदेश्वर पाठक को विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों से नवाजा तो गया ही है, पर उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। हम उन्हें गंगा गौरव मानते हैं, क्योंकि वो गौरव हैं भारत के। उन्हें सम्मान देते हुए हम खुद सम्मानित होते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।